trigger. थोड़ा बॉयल होने देते हैं और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ही हम अपने फिशेस को देंगे। जो भी केमिकल वेमिकल होगा वो सब निकल जाएगा। बॉयल होके 5 मिनट्स हो गया, अभी और आगे थोड़ा सा देखते हैं, 2-3 मिनट और मैं देना चाहता हूँ ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं गैस पर। पहले चिकन को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं ताकि इनको खाने में इजी हो। ये देखिए मैंने छोटा छोटा कर दिया, ये अब खा लेंगे मुझे लगता है। ये पहला खा लिया। ओह माय गॉड, कोई ने खा लिया। चिकन बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट होता है फ्रेंड्स, एंड चिकन हफ्ते में एक बार या अपने टेस्ट के मुताबिक आपको खिलाना चाहिए। इससे कलरेशन बहुत अच्छा होता है और हेल्दी रहती है हमारी फिशेस। तो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनको अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको दे दिया करूँ ऐसे ही। और इन्हें अंडे भी बहुत पसंद होते हैं और मैं इनको मिक्स टाइप के हर टाइप के मैं फूड भी वेजेस भी खिलाता हूँ, आपने देखा होगा। थोड़ा सा बचा है, बहुत ही छोटा सा, तो ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मैं सिकलेट फिशेस को भी खिला दूँ, उन्हें टेस्ट देखने के लिए उन्हें पसंद आता है कि नहीं। इन्होंने तो सारा ख़त्म कर लिया, देखिए टैंक में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा, बस ये थोड़ा पार्टिकल्स है जो कि ये फिल्टर 1-2 घंटे में इस सबको खींच लेगा। वो देखिए वो जो कोई है वो उसके मुंह में अभी भी है, वो चबा रही है। ये क्योंकि चिकन है तो इसे चबाना ही पड़ेगा। एक और दे दूँ, देखते हैं कौन खाता है इसे। और ये खा भी ली। मैंने इस तरीके से अपने फिशेस को चिकन खिलाया, आप भी खिला सकते हैं। और मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही खिलाता हूँ इनको नॉनवेज, बाकी वेजेस भी खिलाता हूँ और इनका नॉर्मल फिश फूड जो होता है वो भी मैं खिलाता रहता हूँ। ऐसा लगा फ्रेंड्स वीडियो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। और ये मेरा ब्लॉग, क्योंकि आपने देखा होगा कि चैनल में सिर्फ शॉर्ट्स आता है, तो ये मेरा पहला या दूसरा ब्लॉग टाइप रहेगा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।